दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लो इन्वेस्टमेंट में आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपना बिजनेस छोटे स्तर से स्टार्ट करना चाहते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा हो, कम लागत में स्टार्ट हो जाए और आपको अधिक प्रॉफिट दे सके, जिसके अंदर कॉम्पिटिशन बिल्कुल कम हो लेकिन इसकी डिमांड काफी ज्यादा हो, अगर आप भी ऐसे बिजनेस की तलाश में है तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी किस प्रकार की मशीनें से किस प्रकार का प्रोडक्ट बनकर के तैयार होगा, मार्केट में कैसे सेल होगा, उसके अंदर रॉ मटेरियल आपको क्या क्या लगेगा, कितनी लेबर की आवश्यकता रहेगी, इन्वेस्टमेंट कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों हर जगह सीमेंट ईंट की डिमांड बहुत ज्यादा है। दोस्तों आने वाले समय में मिट्टी से बने ईंट पर भारत सरकार 100% बैन लगा देगी, बहुत जगह तो लगा भी चुकी है। दोस्तों अब बात आती है फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, इंटरलॉक ब्लॉक, जिन पर भारत सरकार सपोर्ट कर रही है। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से हजारों लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया है, अपने काम को बहुत आगे बढ़ाया है, आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रिक्स मेकिंग मशीन के जरिए आप 4 से 5 तरह की ईंट का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसको, इस मशीन के द्वारा जो ब्रिक्स बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उन प्रोडक्ट को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट के टेंडरों में उपयोग में ली जाती है। दोस्तों इस मशीन का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मशीन के जरिए जो ब्रिक्स बनकर के तैयार होगी, गवर्नमेंट टेंडरों में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाला प्रोडक्ट है। आपके एरिए में लगभग लोगों को ईंट की डिमांड पूरा करने में सपोर्ट करती है। दोस्तों अब मैं आपको डिटेल में पूरा गाइड करती हूँ कि किस प्रकार से इसमें प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है। दोस्तों इस मशीन के जरिए आप 8 से 10 हज़ार पर डे ब्रिक्स बना करके तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कौन कौन ब्रिक्स इसमें बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों इस मशीन के द्वारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स बना सकते हैं, इंटरलॉक बना सकते हैं, सॉलिड ब्लॉक बना करके तैयार कर सकते हैं, पेवर ब्लॉक हो गया, होलो ब्लॉक हो गया, वो बना करके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि इस मशीन के द्वारा जो प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा उसका रॉ मटेरियल कहाँ उपलब्ध होगा। तो दोस्तों अगर हम इसके अंदर रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल आपके आसपास के क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा। तो पहला जो रॉ मटेरियल होगा वो रेत होगा, दूसरा होगा डस्ट, तीसरा होगा फ्लाई ऐश, चौथा होगा सीमेंट, गिट्टी, पानी। 4 से 5 प्रकार के रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्ट बना करके तैयार कर सकते हैं, मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं और आगे इसे सेल कर सकते हैं। अब बात आती है मार्केटिंग की। प्रोडक्शन किया हमने 8,000 का दिन का ब्रिक्स हमने बनाई। अब हम बात करते हैं इसके अंदर प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन इसके अंदर आप पर डे 8 से 10 हज़ार सीमेंट ईट बना करके तैयार कर सकते हैं। एक जो सीमेंट ईट बन करके तैयार होती है वो मात्र 3 रुपये में बन करके तैयार होती है। जब आप इसे आगे सेल करते हो तो एक जो ब्रिक्स आगे सेल होती है वो 6 से 7 रुपये की होती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर मुनाफे की। प्रोडक्शन होगा 8 से 10 हज़ार, 8,000 हम प्रोडक्शन लेकर के चलते हैं और एक ब्रिक्स पर 1.5 रुपये मुनाफा लेकर भी चलते हैं या 1 रुपये मुनाफा लेकर भी चलें सब कुछ खर्चा निकालने के बाद, तो 8,000 रुपये का आपको डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट को बेचने की। बेचने की अगर हम बात करें तो आप लोकल जो ठेकेदार होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी ठेकेदार होते हैं वो ऑटोमेटिक आपका जो भी प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ से लेकर के जाते हैं। दोस्तों अगर आप 6 से 7 ठेकेदारों से भी, अपने लोकल एरिया वालों ठेकेदार वालों से भी संपर्क कर लें तो भी आपका ये जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ में जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपना सीमेंट ईंट का बिजनेस काफ़ी कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मॉडल की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये सीमेंट ईंट की मैनुअल मशीन है, बहुत ही कम लागत में आप इसके अंदर सीमेंट ईंट बना करके तैयार कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मशीन है वो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक मशीन है। इस मशीन के द्वारा आप फिनिशिंग से सीमेंट ईंट बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इस मशीन के द्वारा भी आप इंटरलॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, सीमेंट ईट हो गया, डाई चेंज करके आप बना करके तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास सीमेंट ईट मशीन के 8 से 10 प्रकार के मॉडल हैं। हमारी कंपनी भिलवाड़ा राजस्थान के अंदर है, आप यहां आकर विजिट करो, आपको बिजनेस कैसे करना है उसके बारे में हम आपको पूरा गाइड करेंगे, कौन सा आपको बिजनेस करना चाहिए, आपके गाँव क्षेत्र में किस प्रकार का बिजनेस चलेगा उसका पूरा प्रोसेस हम आपको समझाएंगे, कैसे बिजनेस करना है, किस प्रकार से ट्रेनिंग देनी है, किस प्रकार से लेबर की आवश्यकता रहेगी, लेबर आपको कहाँ से उपलब्ध होगी, रॉ मटेरियल कहाँ से उपलब्ध होगा, उसकी पूरी जानकारी जब आप हमारी कंपनी विजिट करोगे तब आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा।
अगर आप हमारी कंपनी नहीं विजिट कर सकते हो, दूर दराज से रहते हो, तो आप वीडियो कॉल के जरिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो कॉल के जरिए आप बिजनेस करना सीख सकते हैं। वीडियो कॉल के जरिए आप मशीनें देख सकते हैं। तो सो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, कितनी लेबर की आवश्यकता रहेगी, किस प्रकार से प्रॉफिट होगा, क्या क्या इसके अंदर रॉ मटेरियल लगेगा। फिर भी दोस्तों कोई क्वेश्चन छूट गया है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या वो सवाल है। तो उम्मीद करती हूँ आज का हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप भी करना चाहते हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।